पिछले कुछ समय से उपमंडल के कई गांव डेंगू व टाइफाइड जैसी बीमारियों की चपेट में हैं और मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि स्वास्थ्य के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है, जिसका मुख्य कारण है विभाग की कार्यप्रणाली व लापरवाही। सरकार द्वारा घोषणाएं कर जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिए गए, लेकिन इनमें कर्मचारियों की व्यवस्था करना भूल गई। ऐसा ही एक स्वास्थ्य केंद्र हरोट में भी है, जहां पर ताला लटका हुआ है जो यहां आने वाले मरीजों का मुंह चिढ़ा रहा है। करीब 1000 लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा संभाले हरोट के इस स्वास्थ्य केंद्र पर 2 साल से ताला लटका हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू व टाइफाइड जैसी बीमारियों ने इसी गांव को अपनी चपेट में ले रखा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का दौरा कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र से किसी भी गांववासी को स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा और गांववासी पालमपुर और अन्य जगहों पर लाभ लेने के लिए मजबूर है। जब इस बारे खंड चिकित्सा अधिकारी से फोन पर संपर्क करना चाहा तो हमेशा की तरह उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। स्थानीय पंचायत उप प्रधान अमर सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र करीब 2 सालों से बंद पड़ा है। इस समय पूरे गांव को बीमारी ने अपनी चपेट में लिया हुआ है और वे स्वयं अपनी पत्नी सहित पालमपुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। शासन प्रशासन की नाकामी व सरकारी रवैये को देख लोग निजी चिकित्सकों या यूं कहें प्रैक्टिशनरों के पास लूटने को मजबूर हैं, जिसका उदाहरण आए दिन देखने को सुनने को मिल रहा है। जयसिंहपुर से अजीत वर्मा की रिपोर्ट।